सबसे पहले तो गैस क्या होती है, सबको पता है ना कि गैस स्टेट क्या होती है, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में, जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस होती है तो वो गैस स्टेट में होता है ऑब्वियसली, ठीक है। और हाई टेम्परेचर पर आप लोगों को ज्यादातर जो मैटर्स है वो गैस स्टेट में मिलेंगे। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे गैस स्टेट की तरफ मूव करता जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो गैस है बेसिकली उसको दो पार्ट में आप क्लासिफाई कर सकते हो। गैस दो तरह की होती है, आइडियल गैस होती है और दूसरी होती है नॉन आइडियल गैस, जिसको हम लोग रियल गैस भी कहते हैं। तो गैस दो तरह की होती है, आइडियल गैस दूसरी रियल गैस। और मैं आपको यहां पर सबसे पहले क्या पढ़ाऊंगा, सबसे पहले हम लोग आइडियल गैस पढ़ेंगे और फिर हम लोग रियल गैस पढ़ेंगे, ये इसका सीक्वेंस रहेगा। मेरे से अगर आप सवाल पूछो कि किसमें सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है आइडियल गैस से मिलेगा और एक क्वेश्चन आप लोगों को रियल गैस से मिलेगा, तो आप लोग प्लीज इक्वली इंपॉर्टेंट है तो दोनों को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब यहां पर सबसे पहले तो हम लोग आइडियल गैस के बारे में बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल गैस, आइडियल गैस के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले आइडियल गैस होती क्या है, तो आइडियल गैस के लिए सबसे पहली चीज जो आप लोगों को जाननी है वो ये कि आइडियल गैस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम लोग जीरो मानते हैं। बेसिकली देखो आइडियल का मतलब क्या है, आइडियल का मतलब है सतयुग, भगवान राम, समझ रहे हो, जो बस सिर्फ कहानियों में है, भगवान राम सिर्फ कहानियों में है, समझ में आ रहा है। तो आइडियल, तो यहां पर भी आइडियल का मतलब क्या है, आइडियल का मतलब है एक आइडियल सिचुएशन जो हम लोग सिर्फ सोचते हैं जबकि रियली वो प्रेजेंट नहीं होती, पर उसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि जो रियल वर्ड है वो आइडियल से इंस्पायर्ड होता है। तो सबसे पहले आप आइडियल पढ़ोगे तो उसको रियल को रेप्लीकेट करोगे। सबसे पहली चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि आइडियल गैस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। भैया ये नोट डाउन कर लो, ये आपका पहला सवाल हो सकता है नीट में, आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि आइडियल गैस, मैंने आपसे कहा कि भगवान राम का जमाना सतयुग का जमाना था कि नहीं था हमें पता नहीं, पर कहानियों में तो है, बट वो क्या है, वो आइडियल है, रियल है, रियलिस्टिक है नहीं। तो बेसिकली होता क्या है, आइडियल गैस इज बेसिकली यस हाइपोथेटिकल स्टेट है किसी भी गैस की। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है, सिर्फ सोच में है, थॉट्स में है, रियलिटी में नहीं है, जिसमें हम ऐसा मानते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है। मतलब बेसिकली समझो कि उन गैस गैस फेज वालों के पास कोई फेसबुक नहीं है, कोई इंस्टाग्राम नहीं है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, वहां पे कोई नेटवर्क नहीं है। देयर इज सो मच डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज जीरो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, उसी को हम लोग आइडियल गैस बोलते हैं। सबको समझ में आया? तो अगर कोई बात पूछे आपसे कि आइडियल गैस क्या होती है, तो मैं पहली पॉइंट बोलूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, दूसरी पॉइंट बोलूंगा कि दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस इतनी ज्यादा होती है कि उनके बीच में प्यार मोहब्बत यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?